जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फैसल मजीद। पिछले व्लॉग मैंने बताया था कि पाकिस्तानी हॉकी के लिविंग लेजेंड्स, वो लेजेंड्स जिन्होंने पाकिस्तानी परचम को पूरी दुनिया में लहराया था, वो कनाडा की तारीख में पहली बार आ रहे हैं। और नासिर शाह साहब, इससे पहले आपने एंटरटेनमेंट के बहुत प्रोग्राम्स किए हैं। सबसे पहले जो दोस्त अब आप देख रहे हैं, बताइए कि यूनिक आइडिया, क्रिकेटर्स आते रहे हैं, हॉकी के प्लेयर्स पहली दफ़ा आ रहे हैं, यूनिक आइडिया, इसके बारे में क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया फैसल भाई, सबसे पहले आपका, आपने हमेशा हमें सपोर्ट भी किया, हमारे साथ काम भी मिलके किया। और ये आइडिया, आपको पता है हमारी जो एक कोशिश होती है, अभी कोई ऐसा काम करें जो पहले किसी ने ना किया हो, तो हमने ये रिक्वेस्ट की अपने हीरोज़ को, जो हमारे हीरो हैं, आपको पता है पूरे वर्ल्ड में जाने जाते हैं। और इसके अलावा हमारे लिविंग लेजेंड जो हैं, अख्तर रसूल जी से वहाँ से स्टार्ट करें, सलाउद्दीन, ये सारे के सारे दोस्त आपके शहर में पहुँच रहे हैं फरवरी सेकेंड को। जी शाह साहब, इससे पहले कनाडा में क्रिकेटर्स भी आए और वेरी फर्स्ट टाइम ये जो दोस्त बाहर आ रहे हैं, तो काइंडली थोड़ा सा बताइए कि कौन कौन से बिग नेम हैं जो हमारे शहर में आएंगे। देखें, इसमें अख्तर रसूल आ रहे हैं और साथ साथ सलाउद्दीन आ रहे हैं, फिर कासिम जी आ रहे हैं, फिर राना मुजाहिद आ रहे हैं, और शबाज़ जूनियर ऑलरेडी यहाँ पे पहुँच चुके हैं, शबाज़ सीनियर आ रहे हैं, बहुत सारे नाम हैं जो कि यहाँ पे पहुँच रहे हैं। फरवरी सेकेंड को आपके रूबरू होंगे सेंचुरी गार्डन में। सेंचुरी गार्डन आपको पता है बहुत पॉपुलर जगह है वहाँ पे ब्रैम्पटन में, और कोई भी रिगार्डिंग दिस इन्फॉर्मेशन आप हमारी फेसबुक पे जाके देख सकते हैं, और नंबर बहुत इजी है 6477419000 पे भी आप कॉल कर सकते हैं। शाह साहब, उस दिन जिस दिन प्रोग्राम आपने रखा है, क्या जितनी कम्युनिटी, स्पेशली वो लोग जिन्होंने पाकिस्तानी हॉकी का 70s 80s 90s का इरा देखा हुआ है, रूज देखा हुआ है, क्या उस दिन वो उनके साथ मिल भी सकेंगे? जी बिल्कुल, वो उनके साथ फोटोशूट भी होगा, उनके साथ वो टेबल पे जाके बैठ के खाना भी खाएंगे, क्योंकि हमने ये जो गैदरिंग रखी है खाने के साथ रखी है, वहाँ पे आपको इंशाल्लाह बेहतरीन डिनर भी मिलेगा। और वहाँ पे आपको पता है राणा साहब, राणा रौफ साहब भी माशाल्लाह बहुत हमारे कम्युनिटी के बड़ा नाम है, वो और मैं मिलके ये मीट एंड ग्रीट अरेंजमेंट किया है। और आपने पहुँचना पूरी फैमिलीज को लेकर है, क्योंकि बच्चों को भी बताएं हमारे हीरोज़ के बारे में, हमारे हीरोज़ का कितना बड़ा नाम था और अभी भी है, और लोग उनको प्यार करते हैं, हमारी एज के जितने भी लोग हैं फैसल भाई उनको बहुत दिल से प्यार करते हैं। और बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं, टिकट बहुत थोड़ी रह गई हैं, अगर आप चाह रहे हैं वाकई आप हीरोज़ के साथ मूवीज़ बनाएँ, उनके साथ फ़ोटो लें, तो आपको पहुँचना है सेंचुरी गार्डन में फरवरी सेकेंड को। शाह साहब, क्या हम मीट एंड ग्रीट की बजाय इसको अगर लफ्ज़ दे दें ट्रिब्यूट टू द लिविंग लेजेंड्स, ये ज़्यादा मुनासिब लफ्ज नहीं होगा? जी बिल्कुल, अब मैं एग्री करता हूँ, ये बहुत अच्छा ये भी है, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या होती है, ये वाकई इस लेवल के इंसान है, ये हमारा प्राउड है, हमारी कंट्री, हमारे मुल्क जो पाकिस्तान है, जिसके लिए हम बहुत कुछ करने को तैयार होते हैं, ये हम बहुत फख्र महसूस करते हैं। हमें अल्लाह ताला ने ये मौका दिया इन सबको यहाँ पे लाने का, और ये इंशाल्लाह आपके रूबरू होंगे और बहुत खुशी के साथ आपके साथ फ़ोटो भी लेंगे, आपके साथ बैठेंगे भी, आपके साथ गपशप भी करेंगे, और आप इनसे इंटरव्यू ले सकते हैं। और लास्टली शाह साहब, एक तो मीट एंड ग्रीट है, और दूसरा जो दोस्त अब आप देख रहे हैं, ये 3 मैचेस की सीरीज़ भी खेलेंगे, जिसमें जो कैनेडियन जो प्लेयर्स हैं, हॉकी प्लेयर्स हैं वो, और पाकिस्तान के वो लिविंग लेजेंड हैं, इनके दरमियान 3 मैचेस की सीरीज़ भी होगी, मैं ठीक कह रहा हूँ? जी बिल्कुल, और सेकंड थर्ड फोर्थ 3 दिन मैचेस होंगे, और वहाँ पे भी अगर आप देखना चाहते हैं उसके सिलसिले में भी आप हमें कॉल कर सकते हैं, तो फिर हम आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। बहुत शुक्रिया दोस्तों, ये थे नासिर शाह साहब, जो कि हमारे लिविंग लेजेंड्स, सलाहुद्दीन, शबाज़ सीनियर, जिसको मैराडोना भी बोलते हैं हॉकी का, उसमें सलाहुद्दीन हो गए, अख्तर रसूल हो गए, राणा मुजाहिद हो गए, इन जैसे शाहद अली खान हो गए, इन जैसे बड़े बड़े लिविंग लेजेंड जो हैं वो टोरंटो, मिसिसागा, कनाडा आ रहे हैं। दोस्तों, वे ये दोस्त हैं कि जिन्होंने हमारे परचम को पूरी दुनिया में लहराया था, उन्होंने हॉकी के लिए, पाकिस्तान के लिए अपनी बहुत ज़्यादा खिदमत की हुई है। अब मैं समझता हूँ कि बहसियत कम्युनिटी, हम सब का फ़र्ज़ है कि आइए हम सब मिलकर उनकी खिदमत को सल्यूट पेश करें, उनको ट्रिब्यूट पेश करें। इसके हवाले से कोई भी आपको मज़ीद इंफॉर्मेशन चाहिए हो, तो नासिर शाह साहब से आप डायरेक्ट कॉल करके भी ले सकते हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपके साथ मज़ीद इसकी तफसीलात शेयर करते जाएंगे। बहुत शुक्रिया।